हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, ये आपका ट्रांसलेशन जीरो से एडवांस लेवल तक के पार्ट 11 है, मतलब 11वां पार्ट है ये। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रोज़ाना आने वाले वीडियो सबसे पहले तक आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं तो देखने के लिए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका दो क्लॉज होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ गया है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। उसी से रिलेटेड उससे आगे बढ़ते हुए क्रम में है, जितने भी पार्ट्स हैं सभी एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज भी आपका दो क्लाज के बारे में बात करेंगे। एक क्लाज है आपका जब वह लौटेगा, एक क्लाज है मैं बाहर जाऊंगा। जब वह लौटेगा मैं बाहर जाऊंगा, तीनों वाक्यों में आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो क्लाज होते हैं। एक क्लाज जो आपका जब से शुरू हुआ है उसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लाज, इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लाज, और यह आता है सबॉर्डिनेट क्लाज के अंतर्गत। और दूसरा जो हमारा है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, और बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं हमारा कंजक्शन। तो फ्रेंड्स, ये आपका तीन तरह से दिया गया है। तो करना क्या है आपको इसमें, अब ये जो आपका जो सेंटेंस है, मतलब ये जो सेंटेंस है आपका लौटेगा जाऊँगा, दोनों सेंटेंस आपके हैं फ्यूचर टेंस में, दोनों सेंटेंस आपके सिंपल फ्यूचर टेंस में हैं। बट जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो आपका प्रिंसिपल क्लाज होगा ये वाला, इसको हमें पहले लिखना है प्रिंसिपल क्लाज, फिर आपको कंजक्शन आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है उसको लिखना है, फिर हमें लिखना है एडवर्ब क्लाज यानी इधर वाले को। मतलब पहले हमें इसकी ट्रांसलेट करना है यहाँ, फिर हमें कंजक्शन यहाँ लगा देना है, फिर इसको हमें यहाँ लिख देना है। और ध्यान ये रखना है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लाज इधर वाला है इसको हमें बनाना है फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, और जो हमारा कंजक्शन के बाद यूज हो रहा है ये एडवर्ब क्लाज, इसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब में यस या यस लगाते हुए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। क्या, जब वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊंगा, तो एक वाक्य हो गया और एक क्लाज ये हो गया, ठीक है। तो मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लाज, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लाज, जिसको हमें फ्यूचर टेंस में बनाना है। अब तब आपका ये हो जाएगा व्हेन, तब की इंग्लिश होती है व्हेन, जब वह लौटेगा, जब की इंग्लिश हमें नहीं लिखना होता, वह लौटेगा फ्यूचर टेंस में है बट हमें इसको बनाना है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ही रिटर्न्स, मतलब ही आपका सिंगुलर है इसलिए हमें वर्ब में यस लगाना है। जब वह लौटेगा उसके पहले मैं बाहर जाऊँगा, तो पहले हमें प्रिंसिपल क्लाज, मैं बाहर जाऊँगा आई विल गो आउट, अब उसके पहले के लिए हम लगाएंगे बिफोर, अब वह लौटेगा ही रिटर्न्स, जब वह लौटेगा उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा, तो आई विल गो आउट प्रिंसिपल क्लाज, अब उसके बाद के लिए लगाएंगे आफ्टर और लिखेंगे वह लौटेगा का ही रिटर्न्स। तो आपको पहले प्रिंसिपल क्लाज, फिर कंजक्शन, फिर आपको जो सबॉर्डिनेट या एडवर्ब क्लाज है उसको लिखना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं हम। देखिए, करा जब पिताजी आएंगे तब वे मिठाई लाएंगे, ये है आपका। तो प्रिंसिपल क्लाज कौन है, वे मिठाई लाएंगे, वे कौन है, वे आपके मतलब पिताजी हैं, तो फादर, फादर विल ब्रिंग स्वीट्स, प्रिंसिपल क्लाज हो गया। व्हेन आपका हो गया कंजक्शन, जब पिताजी आएंगे, तो पिताजी मतलब ही, और कम में हम क्या लगाएंगे, यस ही कम्स। जब परीक्षा आरंभ होगी उसके पहले मैं कॉलेज जाऊंगा, तो मैं कॉलेज जाऊंगा आई विल गो टू द कॉलेज,
फ्यूचर टेंस में हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास, फिर उसके पहले के लिए हम लगाएंगे बिफोर, और अब इसको हमें लिखना है परीक्षा आरंभ होगी प्रेजेंट टेंस में, तो द एग्जाम स्टार्ट्स, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, तो इसी तरीके से आपका बनेगा। तो यहाँ आपको एक दिया गया है ट्रांसलेशन, जिसका ट्रांसलेट आप जो है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। करा जब घंटी बजेगी उसके बाद शिक्षक आएंगे। आई होप कि आप इसका कमेंट करेंगे, और जो भी आपको डाउट्स इसमें रहा हो आप कमेंट बॉक्स में उसे बताइएगा, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।